नमस्कार भाई लोग, आज का वीडियो है, आप लोग देख रहे हैं कि ड्रीम अलेवन, आप लोग देख रहे हैं आईपीएल मैच आ रहा है, तो ड्रीम अलेवन में आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो आप टेंशन में हो जाते हैं। तो आपको ड्रीम अलेवन में बैलेंस कैसे डालने का है, किस तरह डालने का, आज वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अपने एटीएम कार्ड से मैं ड्रीम अलेवन में पैसा डाल के दिखाता हूँ। हाँ तो भाई लोग देख रहे हैं मेरा एटीएम कार्ड, अब मैं आ गया हूँ ड्रीम अलेवन पर। ड्रीम अलेवन देखिए थोड़ा नेट स्लो है तो थोड़ा देरी से खुल रहा है, तो अभी मैं देखिए खुल गया मेरा ड्रीम अलेवन। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल में, प्रोफाइल में आने के बाद ऐड बैलेंस आप देख रहे हैं, ऐड बैलेंस पे आप जब भी दबाएंगे तो आपको कितना रुपया ऐड करने का है आप यहाँ पर सेटिंग कर दें। देख लीजिए मैं 1700 रुपया डाल रहा हूँ अपने ड्रीम अलेवन में, तो देखिए मैं डन मार चुका। देखिए कुछ ऐसा हो, ऐसा आएगा आपके सामने, तो इधर एटीएम कार्ड दिखाई दे रहा है, तो आपको इधर पूरा एटीएम कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। देखिए मैं डाल लेता हूँ एटीएम कार्ड का नंबर पूरा, चलिए मैं एटीएम कार्ड का पूरा नंबर डाल लेता हूँ जल्दी से। उस एटीएम पे आपको दिया रहेगा डेट ऑफ बर्थ, तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ लास्ट वाला डाल लें। देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ लास्ट वाला डाल लिया, अरे गलत हो गया यार, लास्ट का डालना चाहिए, मैं पहला वाला डाल दिया। देखिए 21, देखिए मैं डाल दिया अपना। अभी फिर मैं एटीएम कार्ड का पीछे जो नंबर लिखा है यहाँ पर वो नंबर पड़ेगा, तो आप इसमें डाल लें वो नंबर, एटीएम कार्ड नंबर के पाछे 3 अंक का नंबर रहता है वो डालने के बाद आप सेव कर दें। देखिए सेव में कर दिया, कुछ इस तरह का टाइम लेता है, एक आध दो सेकंड, देखिए अब भी हो रहा है, वेटिंग बोल रहा है। तो अभी आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर, आपके उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी हमको थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, तो वह ओटीपी यहाँ पर डालने को बोलेगा। देखिए आपका नंबर पर ओटीपी चला गया होगा, तो कुछ इस तरह का आ जाएगा, आपको ओ टी पी यहाँ इंटर करना पड़ेगा। चलिए मैं ओ टी पी इंटर कर देता हूँ, ओ टी पी इंटर कर दिया, कुछ ऐसा प्रोसेस लेगा और आपका ड्रीम अलेवन में पैसा चला जाएगा। देखिए ओके।